नमस्कार, मैं रीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ जन संदेश टाइम्स में। 2022 के चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, जिसको लेकर सारी पार्टियां दमखम के साथ दौरा कर रही हैं। तो वहीं आज प्रयागराज पहुंचे दिल्ली सरकार के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शिक्षा व्यवस्था के मुद्दे को लेकर डिप्टी सीएम ने प्रयागराज के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की, यूपी में बदहाल शिक्षा को लेकर बात कही। दरअसल मनीष सिसोदिया के प्रयागराज पहुंचने पर जिला अध्यक्ष डॉक्टर अल्ताक अहमद व पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। उसके बाद सर्किट हाउस में शिक्षा के मुद्दे को लेकर मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूपी की बदहाल शिक्षा के बारे में बताया कि यहां के सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाएं बद से बदतर है, छत चू रही है, बेंच टूटी हुई है और शिक्षा का स्तर पूरी तरीके से घट गया है। और हम प्रमाण के साथ है कि दिल्ली में फ्री शिक्षा व्यवस्था और हाई एजुकेशन के लिए 10 लाख के लोन की व्यवस्था दे रहे हैं। शिक्षा के मुद्दे को उन्होंने कहा कि अगर यूपी में हमारी सरकार बनती है तो दिल्ली की तर्ज पर यूपी को भी बदलने का काम करेंगे। फिलहाल प्रेस वार्ता के बाद प्रयागराज स्थित राजश्री टंडन मंडपम में एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, जिसमें शिक्षा की बात मनीष सिसोदिया के साथ कार्यक्रम रखा गया है। और इस कार्यक्रम में पार्टी ने डॉक्टर, इंजीनियर, बुद्धिजीवी तमाम लोगों को आमंत्रित करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कहा है, जिसमें प्रबुद्ध वर्ग के लोग कार्यक्रम में भाग लेकर शिक्षा के विषय पर अपने सुझाव देंगे। कार्यक्रम के संबोधन के बाद 6:30 बजे संगम स्थित संगम घाट पर हरिहर गंगा आरती में शामिल होने के बाद वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। किसी पार्टी ने सरकार बनने का जब माइक नहीं आया, उत्तर प्रदेश की शिक्षा को ऊपर उठाने का काम किया, गर्त में ले जाने का काम किया, पिछले 5 साल में आईडी पकड़ी है, नहीं आवाज आ रही है उत्तर प्रदेश की शिक्षा की। अभी तक लोगों के पास विकल्प नहीं था, आम आदमी पार्टी सरकार में आएगी। जैसा हमने दिल्ली में शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं और दिल्ली की शिक्षा की व्यवस्था जो 2015 तक पूरी तरह से लड़खड़ाई हुई थी, लचर थी, उसको केवल 5 साल में इतना शानदार कर दिया कि आज देश और दुनिया भर के लोग रिसर्च करने आ रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में मैं उत्तर प्रदेश के लोगों से आज यहाँ अपील करने आया हूँ कि उत्तर प्रदेश में भी अपने वोट की ताकत शिक्षा को दीजिए, शिक्षा की राजनीति को वोट करिए और आपको अपने बच्चों की शानदार शिक्षा मिलेगी। आम आदमी पार्टी की गारंटी है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो पहले साल से उत्तर प्रदेश के बजट का 25% कम से कम 25% शिक्षा पे खर्च किया जाएगा। ये हमने दिल्ली में किया है, उत्तर प्रदेश में भी करेंगे। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बनाया जाएगा, ये दिल्ली में भी किया है, यहाँ भी करेंगे। उत्तर प्रदेश के कॉलेजों को उनकी फीस को रेगुलेट करके, उत्तर प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों की फीस को रेगुलेट करके शानदार बनाया जाएगा, ये हमने दिल्ली में किया है, उत्तर प्रदेश में भी करेंगे। अपने शहर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहे जन संदेश टाइम्स के साथ।